समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं की नौकरी चोरी हो गई, किसानों की दोगुनी आमदनी चोरी हो गई, जीएसटी से व्यापारियों की आमदनी चोरी हो गई, नोटबंदी से रुपए चोरी हो गए। अब वक्त आ गया है कि चौकीदार की चौकी छीन लो। और जिस दिशा में नेता आदरणीय आजम खान साहब ले जाना चाहते थे वो सब काम रुक गए हैं। रामपुर को बनाना, रामपुर को सुंदर दिखाना और जो आम जनता के लिए सुविधाएं दे सकती हैं उन योजनाओं को लाना। अस्पताल में इलाज हो रहा था, दवाइयां मिल रही थी, 100 नंबर की पुलिस की व्यवस्था थी, 108 एम्बुलेंस, 102 एम्बुलेंस, पढ़ाई के लिए स्कूल, पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी, लेकिन इस सरकार ने सब काम रोके हैं और जानबूझ करके किस तरीके से परेशान किया जा सके वो लगातार सरकार कर रही है। लेकिन जनता जानती है, जनता ने बदलाव देखा है, इसलिए जनता बदलाव लाएगी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वोट बरस रहा है, वोट केवल संभालना है। अच्छा अखिलेश जी, सिर्फ एक सवाल है। भाजपा के नेता है नरेश अग्रवाल जी, उन्होंने कहा कि 23 मई के बाद मायावती जी गठबंधन से अलग हो जाएंगी और अखिलेश जी जो है बानरों की तरह चौराहे पे टहलेंगे। वैसे आपका चैनल मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ बात वहाँ तक पहुँच जाए। हालांकि इलेक्शन कमीशन बहुत अलर्ट है, अभी तक मुझे कभी नोटिस नहीं मिला है, मैं चाहता भी नहीं नोटिस मिले, लेकिन फिर भी 23 मई के बाद हम उन्हें एक ड्रम भिजवा देंगे। अरे नशे में कही थी बात, बराबर नहीं नहीं, ड्रम में भेज, एक ड्रम भेजूंगा ना, वो बात वो उतना ही ड्रम ठीक रहेगा ना, ड्रम ज्यादा हो जाएगा नहीं, एक ड्रम भेजेंगे। और ये ड्रम इसलिए जरूरी है कि सदन में उन्होंने कुछ कहा था, तो अगर वो ड्रम पहुंच जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा।